कोरोना में लॉकडाउन के चलते निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आया आर्थिक संकट। पुष्कर भाजपा मंडल की ओर से SDM को ज्ञापन सौंपकर राहत देने की गई मांग। पुष्कर तीर्थ नगरी में लॉकडाउन से बेरोजगारी का दंश झेल रहे पुष्कर वासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी मंडल पुष्कर की ओर से एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके चलते आमजन के रोजगार वर्तमान में बंद हो गए। मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्यम वर्ग के लोगों ने विभिन्न बैंकों से रोजगार व अन्य कार्य हेतु ऋण ले रखा है, जिसकी मासिक किस्त भरनी पड़ती है, परंतु वर्तमान में लॉकडाउन होने के कारण किस्त भरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्यम वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाती। इसके अलावा राजकीय चिकित्सालय पुष्कर में कोरोना की वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण पुष्कर के आमजनों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। साथ ही कोरोना संक्रमण भी फैल रहा है, इसलिए राजकीय चिकित्सालय पुष्कर में भी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए, ताकि पुष्कर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को वैक्सीन लग सके। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि लॉकडाउन अवधि के बिजली व पानी के बिलों को माफ़ करवाया जाए, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से काफ़ी सहायता मिल सके। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर भाटी, महामंत्री अरुण वैष्णव, पार्षद मुकेश कुमावत, रोहन बाकोलिया, विष्णु सैन, कैलाश श्रेष्ठी, महेंद्र सिंह गंगारोद, भाजपा नेता हेमराज तेजी, संदीप पाराशर आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हमने सभी बीजेपी पार्षदों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया कि यहाँ जो लॉकडाउन के तहत जो पुष्कर निवासियों और पूरे राजस्थान सरकार और पूरे हिंदुस्तान में जो जो बेरोजगार हो गए हैं लोग बाग, उनको जो बिजली के बिलों का मार है या जो बैंक से लोन लिया है उनकी किस्तों का मार है, वो माफ़ किया जाए। और दूसरा, जो यहाँ से जो पुष्कर से लोग बाग अजमेर के लिए 18+ के जो वैक्सीन लगवाने जाते हैं, उनके लिए हमने यहाँ SDM साहब के माध्यम के द्वारा सरकार से मांग की कि पुष्कर में भी एक सेंटर होना चाहिए, जिससे कि 18+ वाले लोगों को यहीं पर वैक्सीन लग जाए और यहीं का यहीं उनका वैक्सीनेशन। कोरोना महामारी के अंदर आम जन का व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया है और मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा इससे परेशान है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पुष्कर के द्वारा सभी पार्षदगण के साथ मंडल अध्यक्ष हमारे द्वारा माननीय उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया कि सरकार से आप हमारी मांग पूछाएं कि मध्यम वर्ग जो सबसे ज़्यादा परेशान है, उनके जो बिजली पानी के बिल आ रहे हैं बिना कोई रोजगार के, वो बिजली के बिल कहाँ जमा कराएंगे, बैंकों की किस्तें उनके ऊपर आ रही है, कुल मिला के उनका जीवन जीना भी काफ़ी दुभर हो गया है। और साथ ही पुष्कर में 18 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है, उनको अजमेर जाना पड़ रहा है, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाए कर जाए, वहाँ भी ऑलरेडी महामारी अजमेर में ज़्यादा है। इन सब मांगों को लेकर हमने आज एक ज्ञापन माननीय उपखंड अधिकारी को दिया है, उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग को निश्चित रूप से सरकार को पहुँचा।